लाइफ इज ऑलवेज चैलेंज, और मैं हमेशा मानता हूँ जिंदगी में कि कोई भी चीज हो तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो, और इतना भी कुछ बुरा नहीं है टेक्निकली मैं बताऊँ तो, ठीक है। आप लोग बहादुर हैं, आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आज से बीना हम भी उठाएंगे, अब हम उसको लिखेंगे ही एबनेस ऑब्लिक नीट, तो दैट्स नॉट ए इशू। जबरदस्त क्लास स्टार्ट होंगी आपकी फिजिक्स की, जबरदस्त क्लास स्टार्ट होगी केमिस्ट्री की, एंड जबरदस्त क्लास आपकी स्टार्ट होगी बायो की, एंड यू गेट द वन ऑफ द बेस्ट टीचर, डोंट वरी अबाउट इट। हम आपको सबसे बेहतरीन टीचर अवेलेबल करेंगे तीनों के ही, तीनों सेगमेंट के, और वो जम के पढ़ाएंगे आपको। मौर्या सर आपको शेड्यूल बता देंगे सारा का सारा, कैसे क्लास है, हमारे पास टाइम है, इनमें भी हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बायो पे आपने ऑलरेडी बेटा काम कर रखा है, एंड बस फिजिक्स केमिस्ट्री पे थोड़ा सा फोकस बढ़ाना होगा, काम करना होगा, मैं भी समझ रहा हूँ उस बात को। ये सच है कि कष्ट तो होता है सर, कि जीएस और इंग्लिश पे भी हमने काम किया है, तो चलिए कोई नहीं, कोई भी काम जिंदगी में बेकार नहीं जाता है, हर चीज़ के अपने पर्पसेस हैं, अपने रीजंस हैं। मन टूटा होगा, ये सच है कि मेरी तरफ से बात कह देना बहुत आसान लग रहा है, ये सच है, लेकिन मैं भी एक छात्र के तौर पे महसूस करूं तो ये कष्ट तो होता है अंतरात्मा से, कि आप एक तरफ प्रोजेक्टेड थे, सारी चीज़ें प्लान थी, बिल अप टू डेट था, और सडनली सर ये सुनने को मिला। अभी हम लोगों ने सारा सिस्टम भी सही कर लिया था, प्रॉपर आपका यूनिट टेस्ट कंडक्ट हुआ, लकली अगला आपका मॉक टेस्ट भी शेड्यूल हो गया था, वो भी कंडक्ट होने जा रहा था। तो जब सब कुछ अच्छा होता है फिर सडनली ये चीज़ें हो जाती हैं, तो थोड़ा सा यार अंदर से तो बुरा लगता है। हाँ बिल्कुल, नीट देना होगा, एंड जैसा कि इंडियन आर्मी ने अपडेट कर दिया अपनी वेबसाइट पे ओवरऑल, एंड नोटिफिकेशन तो लाजमी सी बात है कि हो जाएगा 3 मंथ में नीट का, बिल्कुल होगा बेटा, हम लोग जान लगा देंगे, पूरी स्ट्रैटेजी बनाने चल रहे हैं हम लोग, और बेटर स्कोर आपका लाएंगे, आपके पास सब अवेलेबल रहेगा। आप चाहे तो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करें गवर्नमेंट के, आप चाहे तो ज्वाइन करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, आप चाहे तो एमएनएस ज्वाइन करें, सारे ही रास्ते खोल देंगे, और उसी प्रोजेक्ट और डेडिकेशन के साथ भिड़ेंगे, बस थोड़ा सा जज्बा और दिखाई बेटा, और आप सब बहादुर, मुझे इस बात का भरोसा है, तो बिल्कुल निराश ना हो। नीट के बाद सर एमएनएस का भी एग्जाम होगा? नहीं बेटा, एमएनएस का कोई एग्जाम नहीं होगा, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। हमारे यहाँ दो स्पेशल एंट्री बनाई गई बेटा 10+2 लेवल पे, जिसको हम लोग पहचानते हैं आर्मी टीएस एंड 10+2 नेवी बीटेक के नाम से बच्चा। तो उन दोनों एंट्री में क्या होता है भैया, कि पहले था कि वी हैव ऑप्शन फॉर द डायरेक्ट एसएसबी, तो बेसिकली मैंने यही कहा कि पहले क्या था कि उनको डायरेक्ट मौका मिलता था, बट नाउ दे आर फेसिंग आईटीजेई, अभी उनको आईटीजेई के थ्रू आना पड़ता है। तो बच्चों को उस समय सरप्राइजिंग लगा कि सर हमारे लिए तो ये चैलेंज है, बट मैंने कहा बेटा चैलेंज नहीं है, मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आगे चल के आपको इंजीनियर ही बनना है, तो लाजमी सी बात है कि एक जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ जाती है कि आप इंजीनियरिंग के थ्रू आए, तो जेई भी मैंडेटरी हो गया है, तो बच्चे जेई के थ्रू अब एसएसबी देने जा रहे, तो डायरेक्ट एसएसबी हो रहा है उनका, सेम भी अब आपका भी वही क्राइटेरिया हो गया कि नीट के थ्रू जाएंगे आप और आपके इंटरव्यूज होंगे। इंटरव्यू के पैरामीटर्स को थोड़ा बहुत चेंज करने का प्लान है, जैसे कि साइकोलॉजी को थोड़ा और प्रायोरिटाइज करेंगे लोग, एंड इंटरव्यू को और थोड़ा मॉक इंटरव्यू को और बड़ा करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। अभी तक इसे मॉक इंटरव्यू क्या था कि बहुत मिक्सिंग चलता था, उसमें मेडिकल के क्वेश्चन इसके क्वेश्चन हो जाए, बट अभी थोड़ा मॉक इंटरव्यू को स्ट्रेच करेंगे, साइकोलॉजी टेस्ट थोड़ा सा बढ़ाएंगे आपका, तो दो प्रॉस्पेक्ट पे ये चीज़ों को इंक्रीज करेंगे। प्लीज़ कीप एक्स्ट्रा क्लासेस बेटा, आपका हर आदेश मानेंगे, एंड डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। कहते हैं कि कोरोना आया, हम लोग लड़के सस्टेन किया, आज हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 2019 में मैं देखता हूँ खुद को लौट करके, तो शायद हम इस तरह से ना जुड़े हुए होते। 2020 आया, वो परिस्थितियाँ आई, उसके बाद भी एडजस्ट कनेक्टिंग, आज हम ऑनलाइन एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, अपने घर से पढ़ रहे हैं आप, और ऐसा नहीं कि कोई कसर है, जो ऑफलाइन में है वही सब कुछ ऑनलाइन में है, और हमने वो कोशिश भी की आपके लिए, तो आप बिल्कुल उसके लिए चिंता ना करें, हम बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे बेटा। कितना मार्क्स तक लाना होगा सर कट ऑफ के लिए, क्या जाएगी? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट लिस्टिंग जिस हिसाब से हम समझ पा रहे हैं, 400 के नीचे का स्कोर तो नहीं रिटेन करेंगे, मिनिमम 400 तक का स्कोर आपको ले जाना होगा, और 400 तक का स्कोर ले जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इसी के आसपास होगा। जैसे इसके पहले जब आईटीजेई में टीएस एंट्री वाले बच्चे हमारे बैठ रहे थे, तो उनको कहा जा रहा था कि कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा, तो ऐसा कुछ हाई नहीं है, आपका 400 के आसपास है, तो यू आर एलिजिबल वन। बट अभी थोड़ी सी चिंता जरूर मेरी है कि इसके बाद जो इंटरव्यू का पैनल है, कितने लोग को शॉर्ट लिस्ट ये करते हैं, कितने लोगों को, क्योंकि अभी तक तो क्राइटेरिया क्लियर था, 660 करते थे और फाइनली 220 को फाइनल करना होता था, तो अभी वहां संख्या बढ़ाएंगे घटाएंगे बेटा, इस बात पे भी थोड़ा सा बता पाना आसान नहीं होगा मेरे लिए। तो लेट मी कंफर्म फर्स्ट, थोड़ा सा आज मैं कंफर्मेशन करूं, जैसे कल ही अपडेट्स आई हैं हर जगह जो है, तो आज थोड़ा सा बात करके अपडेट हो जाऊं, देन आई अपडेट प्रॉपरली, बिकॉज हम सब कुछ नहीं करते हैं बेटा, जो भी है डिपार्टमेंट है वो जो करेंगे वही सबको मानना है, तो वो क्राइटेरिया आपके लिए पूरा का पूरा एड ऑन रहेगा।
क्वेश्चन नीट के होंगे क्या? बिल्कुल बेटा नीट के ही क्वेश्चन होंगे, प्रॉपर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जब नीट का पेपर है तो नीट के ही क्वेश्चन होंगे ना बच्चा, किसी और चीज के कैसे हो सकते हैं। चलिए थोड़े से क्वेश्चन आपके ले लेता हूँ जिससे डायरेक्ट आपके डाउट्स खत्म हो जाए, तो प्लीज रेज हैंड एंड हैव अ वन टू वन डिस्कशन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बच्चा, मॉर्निंग, बताओ बच्चा। सर 3 मंथ्स में नीट के लेवल की प्रिपरेशन कैसे होगी सर? होने को तो बेटा जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है, पहली बात तो इतना नहीं, उस लेवल से मैंने इसकी कर रखी थी ना सर। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, ये बात मैं समझ पा रहा हूँ और ये थोड़ा चैलेंजिंग तो ये थोड़ा मैं समझ पा रहा हूँ, बट बेटा कहते हैं कि मरता क्या ना करता मुस्कान, कोई ऑप्शन है क्या अपने पास? और सच ये है कि मोटिवेशन के अलावा और कह क्या सकता हूँ इस समय, ये सच है। ये बहुत आसान है कि आके हम बहुत सारी बातें कर ले, बट सच ये है कि कोई कुछ बदल नहीं पाएगा, और सच ये है कि जो सामने आए उसको एक्सेप्ट करना है। पॉजिटिव नोट्स भी हैं, ऐसा नहीं कि मैं पूरी चीज़ों को नेगेटिव लूंगा। अब डॉक्टर का टैग लगेगा सीधा, अभी तक एक कहीं ना कहीं नर्सिंग 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 का टैग लगा था, अब तो आप कह सकते हैं ना नीट क्रैक करके जा रहा है बच्चा, तो जो स्टैंडर्ड है जो वैल्यू है वो सब इंक्रीज की जा रही है, बढ़ाई जा रही है। तो मैं तो मिलना चाहिए था हमें, हाँ जी टाइम, या तो इन्हें पहले बताना था सर। बिल्कुल सही, इस गवर्नमेंट का बेटा ये जो रवैया है वो नुकसानदायक तो है ही और बहुत दुखदायी है पूरे देश के लिए हर तरह से। अब मैं इसको जो है पॉलिटिकली कुछ जाके नहीं कह सकता हूँ, बट मुझे बहुत सेंसलेस लगता है जब इस तरह के निर्णय होते हैं, क्योंकि हम भी जब बात कर रहे थे, हमारी बात भी हुई थी एफएमसी के अंतर्गत, तो वहाँ पे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव में ऑफिसर्स वगैरह, तो वो लोग अभी तक मुझसे जो शेयर कर रहे थे वो कह रहे थे कि बीएससी नर्सिंग वाले जो बच्चे हैं, 3 BSc कर चुके नर्सिंग वाले, उनको हो सकता है इस बार कंपल्सन करें, जो 10+2 के बच्चे आ रहे हैं उनको ना इस चीज़ के लिए परेशान किया जाए, उनको ना इन्वॉल्व किया जाए। बट ये है कि इस गवर्नमेंट में क्या है कि कोई भी निर्णय होना होता है तो वो कर ही लेते हैं, इनका सोच ही अलग है हर चीज को लेके, इमोशन का बिना ख्याल रखे हुए। और बेटा इसको मुस्कान आपको पॉजिटिवली बेटा एक्सेप्ट करना होगा, आई नो चैलेंजेस हैं, फिजिक्स का स्कोर भी आपका गड़बड़ ही देख रहा हूं मैं, जो है 15 क्वेश्चंस आप किए हैं, 8 क्वेश्चंस छोड़े हैं, उन 15 में से भी 7 गलत हैं, तो मुझे देख सर उस लेवल की प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे थे हम साइंस की, जिस तरह नीट में आता सर, मैंने पिछली बार भी नीट किया था, 425 स्कोर था, अगर उस तरह की करती तो मैं 500 से अब ले जाती और मुझे पता होता तो MNCS के थ्रू होगा तो मेरा हो जाता, फिर इस बार तो मैंने इंग्लिश और जीके पे ध्यान दे दिया था सर। आई अंडरस्टैंड बेटा, बट चलो मुस्कान हिम्मतें मर्दा मर्दे खुदा एंड जस्ट बस यही बोल सकते हैं, बाकी किस्मत जी कह सकती हैं। चलो अच्छा है, कम से कम उस क्रांति और चैलेंज के रास्ते पे आपकी शुरुआत हो चुकी है, और हम जम के मेहनत करेंगे बेटा, विल गिव आवर बेस्ट, हम कोई कसर नहीं छोड़ने के मूड में हैं, किसी को इतना सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड क्लास हो जितना कुछ आप डिमांड करेंगे विल गिव 100% फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि कुछ भी करके हमें जो है ये स्कोर 500 खींच के ले जाना अपने हर कैंडिडेट्स का, तो बस आप साथ दीजिएगा, हम मेहनत करेंगे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को। महीने में हो जाएगा, बिकॉज नीट के लेवल की फिजिक्स होती ही नहीं सर, उसमें बच्चे सालों लगा देते हैं और फिर भी रह जाते हैं, LNJ से इंस्टीट्यूट से के बच्चे ही नहीं होते सर, जो लगा देते हैं वो बेवकूफ हैं, आप बहादुर हैं, आपको समझना है कि वो 12 महीने अब आपके लिए 3 महीने के तरीके हैं, वो 6 घंटे मेहनत करते हैं आप 12 घंटे करेंगे, एफर्ट्स बढ़ाएंगे एंड चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और रही बात नेक्स्ट बच्चा कह रहा है इंटरव्यू वगैरह, बेटा बिल्कुल उसको तो पूरा करेंगे, वो कोई चिंता का विषय नहीं, बट अभी प्रायोरिटी मेरा इंटरव्यू नहीं होगा, अभी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि कैसे आपका बेस्ट रिटन स्कोर लाया जाए जिससे आप सब शॉर्टलिस्ट हों, और शॉर्टलिस्ट होकर फाइनली जो है सही नहीं, इस बार तो कम ही स्कोर रखना चाहिए नीट का, अगर नीट के थ्रू बीए कर रहे हैं तो फिर अगली बार से बढ़ा देना चाहिए, इस बार थोड़ा तो लीनियंट होना ही चाहिए क्योंकि फर्स्ट टाइम है, पर ये वो भी नहीं कर रहे, क्या पता क्या करेंगे। देखो कट ऑफ को भी लेके मुस्कान कोई बात अभी स्पष्ट नहीं की जा सकती है, ये देखो सब कुछ डिपेंड करता है, देखो अभी तो कह लो दंगल बढ़ गई है, ऑनेस्ट मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि आपको अच्छे ढंग से पता है कि अब नीट वालों के लिए भी एक ऑप्शन तो खड़ा हो ही गया, जो नीट के स्कोर हो गया ना उनको तो, जी जी वही तो कह रहे हैं, उनको तो लॉटरी लग गई है यहाँ पे, तो ये चैलेंज तो बेटा बढ़ा, आप भी वो बात समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं, और हम रोक तो पाएंगे नहीं कि नहीं भाई आप मत अप्लाई करो, आप करो, वो तो हर ऑप्शन तलाशेंगे जो उनको मिल सकता है, आदमी गवर्नमेंट कॉलेज क्या, प्राइवेट कॉलेज क्या, BDS क्या, जो है MNS क्या, कुछ नहीं छोड़ेगा वो, तो जितने रास्ते उसको बनेंगे उतना ले जाएगा। बेटा ये सब सोचने की जरूरत नहीं, इसको हम आप सोच के कुछ बदल भी नहीं पाएंगे बच्चा, द इम्पॉर्टेंट इज कि अब आगे सर हम कितना अपना बेस्ट दे सकते हैं, बाकी कभी कभी कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में छोड़ो बेटा, इंसान के हाथ में तो मुझे लगता है कभी कभी कुछ चीजें हैं ही नहीं, और इसमें आप
आपकी कोई गलती नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो आपको थोड़ा भी जो है ये नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, भाड़ में जाएं। और मुझे लगता है कि पर्सनली मैं इस पे वीडियो दूंगा, एंड आई जस्ट टेल टू ईच एंड एवरी पेरेंट्स की इस बात को समझें कि बच्चों के ऊपर किस तरह का प्रेशर है और वो मॉरली सपोर्ट करें आपका इस समय। और मुझे पता आप रॉक स्टार हैं, जब हम लोग फिर से एक बार नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करेंगे तो यू विल जस्ट डू बेस्ट, आप बेहतर करेंगे। हाँ चलिए मुस्कान, डोंट वरी, विल स्टार्ट विद द डबल एनर्जी फ्रॉम टुमारो, और अच्छा पढ़ाएंगे, देखते हैं क्या होता है, सब अच्छा होगा। और सब स्पेशलिस्ट, सारे तीन के तीनों स्पेशलिस्ट उतार दूंगा, और टॉप के टीचर्स, डोंट वरी अबाउट इट, वो इसी के हैं ही एक्सपर्टाइज, वो तो मजबूरी में मैंने इसमें पढ़ा रहे थे, अब वो नीट ही पढ़ाएंगे जो उनका असल स्टैंडर्ड है, जो उनकी असल ताकत है, सो डोंट वरी अबाउट इट, वो बेहतर करेंगे आपके लिए, ठीक है बच्चे। बाकी रिजल्ट आपका मुस्कान बहुत अच्छा था बच्चा, बायोलॉजी में आपने बढ़िया स्कोर किया है, एंड पैरेलली जो है आपने ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में भी ठीक होल्ड बना रखा है बेटा, जनरल नॉलेज में भी आपने कमाल किया, और रीजनिंग में तो आपने कमाल किया ही किया, तो एवरी पार्ट वॉज रियली गुड। और ये ऐसा रिजल्ट था कि जो लगातार अगले दो तीन महीने मेंटेन रहता तो एमएनएस का श्योर शॉर्ट रिजल्ट था बिना किसी क्वेश्चन मार्क के, बट कोई नहीं, अभी न्यूट नीट का हम श्योर शॉर्ट रिजल्ट बनाएंगे। यस, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे नीट अब। हाँ बेटा, व्हाट द क्लासेस इज गोइंग टू हैपन, इट्स हैपन इन बोथ लैंग्वेज, कोई भी क्लासेस जो होंगी वो बाइलिंगुअल होगी, बट पुट ऑलवेज इंग्लिश इन द प्रायोरिटी लेवल, ठीक है। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट लेट्स टॉक टू द नेक्स्ट, थैंक यू मुस्कान। गुड मॉर्निंग बच्चा, तो बताएं दीक्षा क्या चल रहा है मन में, मेहनत करना है सर, करना है और कोई रास्ता भी नहीं है, यू नीड टू डू हार्ड वर्क। कहाँ से हैं आप? आगरा। आगरे से हैं आप, बढ़िया जी, नई ऊर्जा से लगना पड़ेगा आपको और जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, बट ऑब्जेक्टिव इंग्लिश कमाल का है आपका, हाँ बढ़िया परफॉर्मेंस आपके ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का रहा, जनरल स्टडीज पर भी आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, रीजनिंग पे है ही है, बस थोड़ा सा गड़बड़ किया आपने जो है, गड़बड़ क्या किया है, गड़बड़ी एक तरीके से फिजिक्स में अच्छा खासा परफॉर्मेंस गड़बड़ किया आपने, फिजिक्स पढ़ी नहीं थी क्या बिल्कुल? अच्छा, डरते भी आप लोग फिजिक्स से कुछ ज़्यादा ही, ऐसा मतलब फोबिया बना दिया जाता है, फिजिक्स बहुत शानदार चीज़ है, बस समझ आ जाए एक बार, सब कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच पे बेस्ड है बच्चा, तो सो डोंट वरी अबाउट इट एग्जैक्टली। देखा, हम मेहनत शुरू करेंगे बेटा, और आज मैं इसीलिए आप सबसे मिलने आया हूँ कि नोबडी वी डेमोरलाइज फॉर दिस, जो हुआ सो हुआ, दैट्स नॉट मैटर, अब उसको लेके बहुत सोच के हम आप कुछ चेंज भी नहीं कर पाएंगे, तो द टाइम टू जस्ट बाउंस बैक विद द न्यू एनर्जी, एंड आई जस्ट टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली, आई एम गोइंग टू गिव द बेस्ट वन, और हम बेस्ट टीचर देंगे, बेस्ट एफर्ट्स करेंगे, और आप भी अपना बेस्ट लगाइए, ये समझ जाइए कि और ठीक है यार, अब तीन महीने जम के मेहनत करो, अब आपके पास मेडिकल कॉलेज के भी रास्ते खुल गए, नाउ यू हैव ऑप्शन टू गो फॉर द डॉक्टर एंड गो फॉर द नर्सिंग स्टाफ, हाँ दोनों रास्ते लेके चलो, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, सारे रास्ते आएंगे, मैं मानता हूँ फौजी बनना एक अलग जज्बा होता है सर, इसीलिए तो हम ये कर रहे थे, नहीं तो पहले से सर नीट ना कर रहे होते, बैठ के इधर आते ही क्यों सर, तो वो मैं समझता हूँ, बट क्या कर सकते हैं बेटा, अभी जो सामने है उसको आपको बेहतर करना है। चलिए थैंक यू दीक्षा, और कुछ क्वेश्चन हो सब लोगों के, मेहनत करिए आज से आप लोग, मैं कहूँगा, और मोरासर बच्चों को आज क्या शेड्यूल प्लान करिए, और जबरदस्त नई एनर्जी, टीचर्स के साथ सब बात हो गई बेटा हमारा अच्छे तरीके से, सब लोगों ने कहा है सर आग लगा देंगे, और बच्चों को बिल्कुल हौसला उनका 10 times ले जाएंगे, और सबसे बेटर परफॉर्मेंस के तौर पे और बेटर परफॉर्मर के तौर पे आपको लेके आएंगे, तो उन सब ने स्ट्रांगली वादा किया है, तो बस थोड़ा सा आप भी बेटा मनोबल बना के रखें, एंड आई विल गिव द पर्सनल वीडियो, एंड आई थिंक यू पेरेंट्स विल सपोर्ट यू, डोंट वरी, इसमें आपका कहीं से कहीं तक कोई कारण नहीं है बेटा, यू गेव बेस्ट, और बहुत सारे बच्चे कमाल का रिजल्ट ला रहे हैं, और ऐसे तो मुझे लग रहा है 2-3 महीने रिजल्ट देखने को मिल जाता तो अच्छी खासी संख्या में इसमें सेलेक्ट होने जा रहे थे बच्चे, जो कि बिल्कुल क्लियर कट दिखाई रहा है। हाँ फिर से एक बार नए जज्बे के साथ, तोड़ेंगे नहीं सर, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल लग जाना है, अब तो चैलेंजेस सामने खड़े ही है बेटा, अब कॉन्फिडेंस ही लाना होगा, और आज से जब आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो ऑटोमेटिक आपका 2 दिन के अंदर वो कॉन्फिडेंस हम बिल्डअप कर देंगे, और आपको दिखा दें, इतने भी टॉपिक नहीं है यार, 28 topics हैं फिजिक्स के गिन के, एक टॉपिक पे हमने ईमानदारी से 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन भी खर्च किया ना, अच्छे टाइम के साथ तो मेंटेन होगा, इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं है, और सब पढ़ा है 10+2 भी, इतना भी अजूबा नहीं आता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पढ़ा ही नहीं है सर हमने, पढ़ के आए हो बस, ज़रूरत है, 1 year का गैप भी लिया है, चलो कोई नहीं, अब सब गैप पूरा करना है, इधर आके मेहनत करना है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड बस अब क्लास स्टार्ट करना है बेटा, एंड बी पॉजिटिव, और यार कैसे फौजी की कोई भी परिस्थिति आ जाए तो लड़ना ना सीखो, समझ लो कि स्थिति आई है।